उउिल श्री तौर बरिम वेरी वेबल वीर वी आर टू शेयर एंड टाक अबाउट ईटिंग हैबिट्स ईटिंग हैबिट्स में uh, बड़ी अहम बात है कि वी टू मिनिमाइज द ईटिंग जब हम खाना खा रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि दे आर वॉचिंग टी वी वाचिंग मोबाइल्स मोर फ्रिक्वेंटली और पेरेंट्स भी जो है वो दे मेक देम टू टू सिट फॉर ईटिंग यानी खाने के लिए टेबल पे आ जाओ तो वो बहर उसके लिए मोबाइल इज प्रोवाइडेड तो इससे अवॉइड करना चाहिए इससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं खाना खाने का बुनियादी तौर पर जो फलसफा है कि खाना खाते हुए पूरी तवज्जो के साथ ताकि ब्रेन की तमाम इम्पल्स जो नो स्टमिक की तरफ हों स्टामिक फुल डायरेक्शन ले रहाँ ब्रेन से कि उसमें फुल एक्सक्रीशनस हों फुल उसमें वो फूड के साथ मिक्सअप हों और फूड जो है ना वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होने के काबिल हो जाए तो इसमें अटेंशन uh, डेवलप uh, करने की जो एक्टिविटीज़ हैं ड्यूरिंग द एडिबल्स तो वो बड़ा ज़रूरी है बच्चों में ख़ास तौर पर uh, जो है ना वो कंसनट्रेट रहना टू uh, वैन दे आर ईटिंग इसकी ये हैबिट जो है लीडिंग टूवर्ड्स वर्ड देर लर्निंग एक्टिविटीज एंड अदर टास्क एंड अदर लाइफ एक्टिविटीज़ वैन दे आर वर्किंग वो पूरी तवज्जो के साथ काम करना सीखेंगे तो खाने की हैबिट से हम फायदा भी उठा सकते हैं कि वो उनकी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको मदद मिलेगी इसी तरह बच्चे अगर दे ईट स्लोली दे मस्ट ईट स्लोली एंड दे आर नाट डूइंग दिस दे आर ईटिंग वेरी क्विकली होता ही है कि उनके जो ड्रामा या इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं तो वी मैनेज दोस्त ताकि वो उसको ख़त्म करके तो फिर खाना खाएँ ज़्यादा बेहतर है वरना यह है कि बच्चे जो ना वो क्विकली खाना खाते हैं और वो क्विकली उनकी हैबिट बन जाती है और क्विकली खाना खाने से यह है कि उसमें जो एक्सक्रीशन है स्टॉमिक की वो उस तरह से एक्सक्रीट नहीं होती उसमें फिर यह कि बच्चे वो उस तरह से डायजेस्ट नहीं करते जिस तरह इसकी ज़रूरत है और उनको इसका आती बनाया जाए कि वो अपनी भूख को मिटाने के लिए खाएँ यानी उस वक्त खाएँ जिस वक्त उनको भूख हो और उतना खाएँ जितना जिससे उनकी भूख ख़त्म हो जाए ये इस बात का आती होना चाहिए यानी खाना अगर मौजूद है तो खाना खाते जाना और जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक खाते जाना तो ये इस तरह से खाना जो वो बालल बच्चों के लिए अच्छी हैबिट नहीं है इसमें हम ये भी देखते हैं कि ट्रूली हंग्री पर्सन टू ईट एंड uh, इसका फ़ायदा ये है कि स्टामिक खाली होता है स्टामिक के अंदर एक्सक्रीशन जो है ना वो अमाउंट इज़ देर और फिर ये है कि खाना जब हम खाते हैं तो उसमें उसमें स्पेस काफ़ी मौजूद होती है और उसमें यह है कि उसकी मूवमेंट बड़ी आसानी के साथ स्टामिक की मूवमेंट जो दो तरह की होती हैं और आ, एक ये है कि मूवमेंट उसकी यानी पैरेलल होती है और दूसरी मूवमेंट जो है ना वो उसके अंदर उसके मसल्स के अंदर मूवमेंट जो है ना मौजूद होती है इन दो तरह की मूवमेंट से द फूड इज एबल टू तो बी डाइजेस्टेड अगर ओवर ईटिंग कर ली जाए स्टमिक भर जाए तो वो मूवमेंट जो है ना वो स्लो हो जाती है बल्कि का यह है कि बहुत तो ही ज़्यादा खाली रोक भी जाती है तो वो फिर एक्टिविटी करने से वो बेहतर होती है तो इसमें जब बच्चा टायर्ड हो जब बच्चा एंशियस हो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो या फिर इमोशनल हो इस स्टेट में बच्चे को खाना जो है वो देना वो बहरल इसे अवॉइड करना चाहिए और फूड के लिए जो प्लान करना चाहिए व्हेन वी टू तो गिव दम फूड और उसको है टाइम प्लानिंग जरूर होनी चाहिए कि किस किस वक्त में खाना लेना चाहिए और फिर यह कि ऐसी हैबिट्स को री करना चाहिए जो हेल्दी हों वक्त पर खाना कंसंट्रेशन से खाना और फिर उतना खाना जितने की ज़रूरत है और उसमें फिर यह है कि पूरे सब्र तहमल के साथ आ, खाना और खाने के लिए ये जो है ना वो तेज़ रफ्तारी से आ, चलने की बजाय स्लो पेस्ट जो है ना वो खाना खाना चाहिए दीज आर द गुड हैबिट्स थैंक यू वेरी मच